हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HS टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत है। और यहाँ पर स्टूडियो में बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड। यहाँ पर काफी मेरे पास कमेंट आ रहे थे, काफी दिनों से लंबे टाइम से बेरोजगारी भत्ता अप्रूवल नहीं हो रहे हैं या भत्ते चालू नहीं हो रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर आपको वीडियो भी टाइम टू टाइम वीडियो आपको डेली अपडेट मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट की या इमितर CAC रिलेटेड जो भी अपडेट है, योजना या सरकार की जो भी योजना है, स्कीम्स हैं, उन जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन किया तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रदेश के 1,00,000 बेरोजगारों को 1 साल से भत्ते का इंतजार फुल चल रहा है, 2,00,000 बेरोजगारों का कोटा। यानी प्रदेश में ये जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित है प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो इसमें जो कोटा है वो 2,00,000 लोगों को एक बार में 2,00,000 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। इसकी जो लिमिट है वो है, यहाँ पर प्रदेश के 1,00,000 बेरोजगारों को 1 साल से भत्ते का इंतजार है। तो उन्होंने फॉर्म भर दिया है, अपने जिला लेवल पे भी वो उनका फॉर्म वेरीफाई हो गया, अप्रूव हो गया है, लेकिन उनको भत्ता नहीं मिल रहा है या अप्रूव नहीं हुआ है, उनका पेंडिंग चल रहा है, इंटर्नशिप नहीं मिली है। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनका पेंडिंग चल रहा है। तो अभी 2,00,000 जो बेरोजगारों का वो कोटा फुल है। वहां पर क्या होता है, उनकी जैसे ही जो भत्ता ले रहे हैं ऑलरेडी आपके गांव में या आपके शहर में, आपके आसपास आपका दोस्त जो भी भत्ता ले रहा है, तो उसकी 2 साल पूरी होगी, तो उसके बाद में ही तो सीट खाली होगी। तो यहाँ पर देखिए आप, मई 2023 के बाद मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ, मई 2023 के बाद अगस्त 2024 में मात्र 20,000 बेरोजगारों के फॉर्म सत्यापित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, 20,000 फॉर्म ही सत्यापित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस खास रिपोर्ट के अंदर हम आपको बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप बेरोजगारी भत्ता आपको मिल रहा है या आप लेना चाहते हैं या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर आप बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी आपको स्टूडियो में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रदेश के 1,00,000 से अधिक बेरोजगार 15 महीने से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगार कार्यालय में भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन 2,00,000 बेरोजगारों का कोटा पूरा होने के बाद ये मई 2023 से भत्ता मिलने की वेटिंग में है। मतलब पूरा होने के बाद में मई से ये वेटिंग में है। तो यहां पर देख सकते हैं, ये मई से वेटिंग में है। हाल ही में विभाग ने 20,000 बेरोजगारों के ऑनलाइन आवेदनों को अप्रूव करके भत्ते की प्रक्रिया शुरू की है। अभी जो कुछ ही टाइम पहले अप्रूव हुए थे, हम वीडियो नहीं लेके आ पाए, लेकिन अब आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलेंगे। तो आपको यहां पर देखिए, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, जो भी अपडेट होगी बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड या सरकार की जो भी योजना है उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए, वेटिंग में रखा गया है और इसके बाद में यहाँ पर अपलोड करके भत्ते की प्रक्रिया शुरू की। इसके बावजूद प्रदेश में अभी भी बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी की संख्या 1,07,000 है। असल में एक समय अवधि में राजस्थान सरकार 2,00,000 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता देती है। मतलब एक टाइम में ये करीब 2,00,000 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन आने पर उन्होंने वेटिंग में रखा जाता है। मतलब ज्यादा आवेदन आ जाते हैं तो उन्हें वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है, फिर जैसे जैसे जगह खाली होती है, जिनका स्टॉप होता है या जिनका पूरा 2 साल हो जाता है, तो उनकी जगह इन लोगों को लिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपए और महिला जो निःसक्षम है, जो विकलांग है, उनको 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बदले में आवेदनकर्ता को सरकारी विभाग में प्रति दिन 4 घंटे व्यवहारिक कार्य अनुभव के लिए इंटर्नशिप करनी होती है। नजदीकी आपकी ग्राम पंचायत, स्कूल वगैरह, उनमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है। बीकानेर जिले में फिलहाल बेरोजगारी भत्ता लेने वाले बेरोजगारों के अभ्यर्थियों की संख्या 2,215 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,352 है तथा महिलाएं 863 है। वही 1,945 बेरोजगारी भत्ते के लिए यहाँ पर देखिए बेरोजगार भत्ते इंतजार में है। इन्हें आवेदनों बीते 15 महीने से अप्रूव नहीं हुए हैं। अब यानी उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोजगार जो कार्यालय है, उप क्षेत्रीय निदेशक हरि गोविंद मिथल के अनुसार अप्रैल 2019। तो देखिए, इस प्रकार से हाल है पूरे प्रदेश के अंदर। यानी बीते कुछ टाइम में विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, विधायकों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई बेरोजगारी भत्ता, देखिए प्रदेश में बेरोजगारी
बेरोजगारों को समय पर भत्ता नहीं मिलने और उनकी बढ़ती वेटिंग लिस्ट को लेकर प्रदेश के विभिन्न विधायकों ने विधानसभा में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। तो यहाँ पर सभी प्रदेश का यही हाल है, काफी डिस्ट्रिक्ट में है जो भत्ते पेंडिंग चल रहे हैं, मतलब लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं लेकिन उनका अप्रूव नहीं हो रहा है, वेरीफाई कर दिया गया है लेकिन अप्रूव नहीं हो रहा, और अभी कुछ टाइम पहले वेरीफाई अप्रूव हुए हैं, उनको इंटर्नशिप दे दी गई है या इंटर्नशिप उनको मिल रही है धीरे धीरे और वो ज्वाइन कर रहे हैं, और काफी टाइम से बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट भी नहीं आ रहा। अभी कुछ टाइम पहले पेमेंट आया था, एक साथ पांच छह महीने का पेमेंट आया था, उसके बाद में अभी भी यहाँ पेमेंट नहीं आया है, तो काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ता को लेकर रिलेटेड अपडेट आप पाना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, या आपके कोई भी सवाल जवाब है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी जो भी समस्या है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड मैंने आपको ये अपडेट में आप लोगों तक लेकर आया कि काफी पूरे जिले, मतलब पूरे जो प्रदेश है, पूरा जो राजस्थान है, उसमें हर जगह से आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं। यह नहीं है कि आपका ही आवेदन पेंडिंग है, आपका ही अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो ऐसे मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे कि सर भत्ता काफी दिनों से अप्रूव नहीं हो रहे हैं, या फॉर्मों की चेकिंग नहीं हो रही है, या हमें इंटर्नशिप कब मिलेगी, या ऐसे जो भी बहुत सारे सवाल थे, तो उन्हीं को लेकर हम ये वीडियो लेकर आए आप लोगों तक कि अभी बेरोजगारी भत्ता है जो अप्रूव किया गया है, आप अपनी SSO ID खोल के चेक कर सकते हैं आपका भी अप्रूव हुआ है या नहीं है, और बाकी लोगों के पास इंटर्नशिप का मैसेज भी जाता है, डिपार्टमेंट जब भी इंटर्नशिप देता है तो उसका मैसेज भी आप लोगों तक जाता है, तो आप अपना मैसेज भी चेक कर लीजिए, जो आपने नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त उस नंबर पे मैसेज भी जाता है। अब यहाँ पर आपका जो अगर भत्ते से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट पूछ सकते हैं, और बाकी आप राजस्थान सरकार की जो भी तमाम योजनाएं हैं या सरकार की जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन सबका आप लाभ लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ प्रेस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।